किस पार लेती सृष्टि, अपनी थकान बिताती सृष्टि। भाई आज सास बहु बेटियां में हम आपको कुंडली भाग की सृष्टि यानी अंजुम फारिक का एक ऐसा रूप दिखाने जा रहे हैं जो आपको सीरियल में तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, दिखेगा तो सिर्फ सास बहु और बेटियां पे। जहाँ पर सितारे करते हैं वो जो वो करना चाहते हैं, और आज अंजुम फारिक निकली है सास बहू और बेटिया के साथ एक ब्यूटी भरे डे आउट पर। जी, कुंडली भाग्य दिन रात शूटिंग के बीच अंजुम को खुद को संवारने का वक्त नहीं मिलता। तो अब मुझे ये गर्मा गर्म जो बेड है हमारा टर्किश हमाम, इस पे मुझे लेटना है एंड देन माय मसाज विल स्टार्ट। सो विश मी लक। ओके, तो सास बहू और बेटिया के साथ आज वो खुद को पैम्पर करेंगी यानी एक ब्यूटी भरा डे आउट करेंगी। लेंगी खास तरह का हमाम टर्किश स्पा, लेंगी हेड स्पा और साथ साथ कुछ लजीज खाने का जायका भी। भाई सेट पर हमेशा सृष्टि को आपने मेकअप में लदे पदे या सजे धजे देखा है, और देखिए इस स्पा में वो कैसे तरोताजा हो गई। तो लेट्स स्टार्ट द ब्यूटी डे आउट विद अंजुम फारिक, और हमारा पहला डेस्टिनेशन है मुंबई का करिश्मा स्पा। फाइनली मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, ऑल द वे फ्रॉम मीरा रोड आई हैव ट्रैवल टू अंधेरी, और हम हैं करिश्मा और चरिश्मा में, आप जैसे चाहे इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो अमेजिंग, आई एम रियली एक्साइटेड। मैंने सुना है कि यहाँ पर टर्किश स्पा दे हैव इंट्रोड्यूस्ड मुंबई में पहली बार, सो आई एम रियली एक्साइटेड। सो हु इज हेल्पिंग मी? भाई करिश्मा स्पा जाना जाता है अपने टर्किश हमाम के लिए, और यहाँ जाने के लिए पहनना पड़ता है बाथरोब, तो अंजुम तैयार है बाथरोब पहनकर। फाइनली वी आर स्टार्टिंग अप विद माय टर्किश स्पा। उसके लिए सबसे पहले मुझे स्टीम लेनी पड़ेगी 5-10 मिनट, तो आई एम ऑलरेडी इन माय बाथरोब। तो 10 मिनट स्टीम लेके मैं बाहर आती हूँ और मैं बताती हूँ कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे। ओके अब शुरू करते हैं टर्किश मसाज का सिलसिला। भाई ये खास तरह की मसाज होती है जहाँ पर झाग और पानी से आपकी बॉडी को तरोताजा किया जाता है। जरा देखिए तो अंजुम को कैसे इस वेलनेस भरे एक्सपीरियंस को एंजॉय कर रही हैं और एकदम खो ही गई। स्पा में तरह तरह के पड़ाव होते हैं, और आखिरकार फाइनल पड़ाव के बाद अंजुम हो गई तरोताजा। भाई बॉडी का स्पा तो हो गया, लेकिन आप जरा हेयर स्पा लिया जाए यानी आपके बालों को भी वो मसाज और नॉरिशमेंट की जरूरत है। तो देखिए अंजुम का हेयर स्पा यानी कुल मिलाकर बॉडी माइंड और सोल बिल्कुल तरोताजा हो गए, यानी कुल मिलाकर करिश्मा स्पा में अंजुम की बॉडी हेयर और माइंड हो गए तरोताजा। सोनी जी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि कुंडली भाग्य की पूरी टीम, एंटायर टीम लाइक मी, मनेज, श्रद्धा, धीरज, हम सब यहाँ दोबारा आएंगे इस टर्किश हमाम एक्सपीरियंस के लिए आज तक के साथ। I'll be most happy and please get all your family also. Yes, definitely. Thank you so much. Thank you so much, Ashtab. Anjum, for coming down. Thank you, thank you. स्पा पे तरोताजा होने के बाद बारी है कुछ पेट पूजा की, तो चलिए अंजुम के साथ खाते हैं खास तरह का खाना। Okay, so मैं आई हूँ इंडी विला में and I have ordered chicken मक्खन वाला नान turnover. It's a new place और I'm a foodie. मुझे अलग अलग जगहों पर, प्लेसेस पर, रेस्टोरेंट्स में जाकर क्यूजीन ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, और ये मैंने पहली बार सुना है नान टर्नओवर, तो
आओ ना, मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस टूट पड़ू इस पे। सो लेट्स सी ये कैसा है। वाओ, इट्स लाइक अ बोट। पा भी हो गया, पेट पूजा भी हो गई, अब अंजुम को वापस शूटिंग पर जाना है। आज दिन मुझे कंप्लीट लग रहा है क्योंकि पेट में थोड़ा खाना गया है और मुझे फिल्म सिटी पहुंचना है बहुत जल्दी, तो ये सब खत्म करके लेट्स हेड। भाई क्या करें, 12-13 घंटे शूटिंग करती हैं और बीच के फुर्सत के लम्हे उन्होंने चुराए खास सास बहु और बेटिया के लिए। और अब हम जा रहे हैं फिल्म सिटी मेरे सेट पे। सो लेट्स गो, आई डोंट वांट टू बी लेट। तो अपने सितारों का ब्यूटी और वेलनेस भरे सफर के लिए देखते रहिए सास बहू और बेटिया। और आज सास बहू बेटिया में आपने अंजुम फारिक यानी कुंडली भाग्य सृष्टि का ये खूबसूरत ब्यूटी भरा सफर देखा। आखिर खान, मुंबई आज तक।